नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो छोटा सा बगीचा है, मैं यहीं पे आई हूँ। चलिए आप लोग भी यहाँ से मैं लेंगी सब्जियाँ। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ऊपर पहले ये सहजन का पेड़ है और बहुत ही अच्छा फरा भी है। यही कि मैं सब्जी आप बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ पेड़ के एकदम पास। सहजन का पेड़ एक ही जगह पे दोनों है। तो ये देखिए, भैया ने ऊपर चढ़ा हुआ है और सहजन काट रहे हैं कटवासी से। जो लग्गी में हसिया बांधी रहती है उसे कहते हैं कटवासी, उसी से काट रहे हैं। तो हम लोग दो तीन लोग इसको लेंगे और बहुत ही नरम रहता है इसका ठाय, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो सहजन का पेड़ दोस्तों हर साल मतलब टूटता है, हर साल पनक कर होता है नया कल्ला और उसमें नया फरता है। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे टूट चुका है, इतने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दो तीन परिवार लेंगे, यहाँ पे हैं आई हैं, सब लोग लेंगे। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ। तो इसको बहुत आसानी से टूट जाता है, देखिए बहुत ही नरम रहता है। तो तोड़ तोड़ के मैं डलगी में अपने रख लेते हैं। ले ले नहीं, तीनों जनी ले ले, तीनों जनी ले। हाँ, हम थोड़ा सा लेंगे बस। तो दोस्तों कई परिवार आप लोगों को बता, कई परिवार इनको बनाएंगे, ढेर सारा है। और चलिए आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते रहिए, बहुत ही अच्छे से बनाकर दिखाएंगे। तुमने ढेर सारा ले लिया है, अब चलते हैं घर पे। तो सहजन लेकर मैं घर पे आ चुकी हूँ, अब इसको सहजन को अच्छे से धो लेते हैं। तो एक करके रगड़ कर हम धो लेते हैं, धो धो के इस थाली में हम रखते जाएंगे। तो सहजन देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं, और इसीलिए मैं थोड़ा सा एक एक करके धो रही हूँ। तो ऐसे ही सारे सहजन को हम धो लेते हैं। तो सहजन को हमने धो लिया है, अब मैं सहजन का जो रेशा रहता है उसी को मैं निकालूंगी। चक्कू को भी धो लेती हूँ। तो रेशा कैसे निकाला जाता है आप लोग बता देते हैं। देख, थोड़ा सा काट के थोड़ा सा रोक देना चाहिए उसी पे, उसके बाद हिचकर ऐसे रेशा निकाला जाता है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से रेशा निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइट हो गया है, नरम रहता है तो निकालने में थोड़ा सा परेशानी होता है। ऐसे हम निकाल देते हैं रेशे को। देखो, इस तरफ से मैंने साफ कर लिया है रेशे को, और इस तरफ से थोड़ा सा काट के अब इस तरफ से भी साफ कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको हम एक साइज से बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े दो दो इंची का कट लगा कर काट देंगे। तो सहजन का सारा हमने रेशे को निकाल लिया है, अब मैं काट लेती हूँ। देखिए, मैंने इस थाली में सारा ऐसे ही छील कर रखा हुआ था। तो सारे सहजन को हमने काट लिया है, अब मैं इसको बांधूंगी। तो ढेर सारा हमने रेशा इधर निकाला हुआ है, इसी रेशे को हम लेकर गट्ठर जैसा बांधेंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा हमने हाथ में लिया हुआ है एक बराबर करके, अब मैं इसी का गट्ठर बांध देती हूँ इसी रेशे से। तो देखिए, मैंने गट्ठर को बांध दिया है। तो ऐसे ही गट्ठर को बांध कर रख लेते हैं। तो सारे गट्ठर को हमने बांध लिया है, अब मैं चलती हूँ अपने चूल्हे के पास। तो सहजन को रख देती हूँ चूल्हे के पास, और सबसे पहले मैं चूल्हे में आग को जला लेती हूँ। तो चूल्हे में आग को हमने जला लिया है, और इस पे रख देते हैं प्रेशर कुकर में चावल पकने के लिए, और इस तरफ हम मसाले के लिए तैयार कर लेते हैं। तो आलू का छिलका हम उतार लेते हैं। अब हम प्याज का भी छिलका उतार कर रख लेते हैं। तो चावल हमारा एक सीटी बोल चुका है, मैं इसको उतार लेती हूँ। अब मैं सारी सब्जियों को धो लेती हूँ। अब धोकर हम इस कटोरे में रख लेते हैं। अब हम आलू को काट लेते हैं। ज्यादा मोटा हमें आलू नहीं काटना है, लंबे लंबे काट लेना है। तो ऐसे ही आलू को हम काट लेते हैं।
हम मसाले के लिए प्याज को काट लेते हैं। तो अब हम टमाटर को भी काट लेते हैं। तो अब हम लहसुन का भी छिलका उतार लेते हैं। लहसुन को हमने होती ही धो लिया था। तो अब हम सिलबट्टे को धो लिए हैं अच्छे से। अब हम पीस लेते हैं। तो मसाले को हमने पीस लिया है। अब मैं कटोरी में इसको उठा लेती हूँ। तो अब हम इसमें टमाटर पीस लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग चाहे तो वैसे ही टमाटर डाल सकते हैं। तो मैं इसे पीस रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है बनाने में। वैसे टमाटर थोड़ा गलने में टाइम लगता है। तो टमाटर भी हमने पीस लिया है। अब इसको भी कटोरे में उठा लेते हैं। तो अब हम रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तब तक ये तड़के के लिए हम प्याज को काट लेते हैं। तो हम पतले पतले प्याज को काट लेते हैं तड़के के लिए। तो अब हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तेल थोड़ा सा भी ज्यादा डाल रहे हैं। तो तेल गर्म हो चुका है। इसमें पहले हम थोड़ा सा आलू को तल लेते हैं। जो हमने मसाले पीस के रखे हुए हैं इसी में हम अब हल्दी डाल देते हैं, ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च, थोड़ा सा हम ज्यादा डाल रहे हैं कलर के लिए, और ये गरम मसाला। आप लोग खड़े मसाला भी डाल सकते हैं। हम ये पीस के रखे हुए हैं वही डालते रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें इसके ऊपर से पानी डाल देते हैं। तो सभी मसाले को हम चम्मच से मिला देते हैं अच्छे से। तो आलू को हमने तल लिया है चलाते हुए, और आलू में देखिए थोड़ा सा ये पक भी गया है। मैंने पतला पतला काटा हुआ था जैसे अच्छे से पक जाए। अब मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, तेल जो एक्स्ट्रा है चला जाएगा कढ़ाई में और आलू में निकाल लूंगी। अब मैं सहजन को तल लेती हूँ। बहुत ज्यादा हमें नहीं तलना है, थोड़ा सा नरम करना है। तो आज को हमने बिल्कुल कम कर दिया है, बहुत धीमी आंच में इसको हमको तलना है। तो थोड़ा सा हमने तेल में इसको नरम कर लिया है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही दूसरे धान को भी हम तल लेते हैं। तो इसको भी हमने तल लिया है। अब हम इसको निकाल देते हैं। अब हम लगाएंगे तड़के। तो अब इसमें हम डाल देते हैं हींग। हींग डालने के बाद डाल देते हैं जीरा। जीरा के बाद डाल तेज पत्ता। तो थोड़ा सा इसे चिटकने देते हैं। तो अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज। प्याज को भी जलाते हुए ब्राउन कलर का कर लेते हैं। तो प्याज हमारा ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले। मसाले डालकर हम अच्छे से भूनते हैं। तो मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से हम भूनेंगे। तो मसाले को बहुत ही अच्छे से पकाना है हमको चलाते हुए। मसाले और टमाटर को हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है। ये देखिए इसमें फिर दोबारा तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं आलू और सहजन को भी डाल देते हैं। डालकर हम इसमें अच्छे से मसाले मिलाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम इसी समय डाल देते हैं पानी, जैसे मसाला हमारे आलू में और सहजन में अच्छे से मिल जाए। तो हमने जरा सा पानी डालकर अच्छे से इसको मिला दिए हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो 2 मिनट के लिए हमने इसको ढका हुआ था। अब मैं इसको अच्छे से फिर एक बार चला देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगी है और बहुत ही अच्छा से मसाला हमारा मिल चुका है। तो अब इसमें हम पानी के डाल देते हैं। तो एक बार आप लोग पास से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हमने बनाया है। और अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। और ग्रेवी के हिसाब से आप लोग पानी डाल सकते हैं, जितना आप लोगों को रसा चाहिए उस हिसाब से। तो थोड़ा सा और पानी हम डाल देते हैं। अब इसको हम तेज आंच पर ढककर पकाएंगे। तो अब हम ढक्कन हटाकर सब्जी की देख लेते हैं अपने। तो देखिए सब्जी हमारा उबलना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से खुशबू भी आना आ रहा है इसमें से। तो अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। नमक डालकर मिलाकर फिर से हम ढक देते हैं।
तो थोड़ा सा ग्रेवी को हम गाढ़ा रखेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा सा पतला है, तो अब हम आटे को तैयार करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम आटे को गूंथ लेते हैं। तो हम बनाएंगे दोस्तों पराठा, तो बहुत ही अच्छे से हमें आटे को तैयार करना है। तो आटे को हमने तैयार कर लिया है, अब एक साइड में रख के इसमें हम सूखे आटे रख देते हैं। अब चलते हैं सब्जी को देख लेते हैं। तो सब्जी हमारा बन गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं पास्ते बहुत ही अच्छे से इसमें कलर भी आया है, और जो हमने गट्ठर बना हुआ है बहुत ही रसीला एकदम हो जाता है, और बहुत ही अच्छे से इसको सब लोग खाते हैं। और आलू भी हमारी बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब मैं इसको उतार देती हूँ, और चलिए मैं एक कुकर को उतार देती हूँ नीचे, और इसी पे हम रख देते हैं कढ़ाई। तो सब्जी को हम ढक देते हैं और इस तरफ रख देते हैं तवा पराठा बनाने के लिए। तो अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो छोटा छोटा चकई हम पहले काट लेते हैं। अब हम सूखा आटा लगाकर हम चकई को बड़ा कर लेते हैं। अब हम रोटी जैसा बेलेंगे। तो रोटी जैसा हमने बेल लिया है, अब इस कटोरे में हम रिफाइन को निकाल लेते हैं। तो अब कलछुल से रोटी में सारे अच्छे से हम तेल रिफाइन को लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब इसको हम चार कोना वाला पराठा बनाएंगे, तो एक साइड से इतना मोड़ देंगे, एक साइड से भी इतना। ये देखिए अब हम बीच में इसको रोक देंगे, और ऐसे ही ये देखिए चार कोना का पराठा ये हमारा बन गया है। अब अच्छे से हमको दबा देना है। अब हम इसमें सूखा आटा लगाकर बेलते हैं। तो हम थोड़ा सा रिफाइन तावे में लगा देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं पराठा। तो अब हम पराठे को पलट देते हैं। तो अब हम इस तरफ अच्छे से लगा चुके हैं तेल को, अब पलट कर उस साइड भी लगा देते हैं। ये देखिए पराठा हमारा फूल चुका है, पलट देते हैं। अब दोनों साइड अच्छे से पका लेते हैं। तो एक पराठा हमारा बन चुका है, अब इसको हम थाली में रख देते हैं। अब हम दूसरा पराठा को बेलते हैं। तो ये देखिए रोटी जैसा हमने बेल लिया है। अब हम अच्छे से तेल को लगा देंगे पूरे रोटी में, तो ऐसे ही मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद अच्छे से चिपका देते हैं, और इस साइड में भी मोड़ देते हैं। ऐसे ही चार कोना पराठा हम आज बना रहे हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से हमें बेलना है, जिससे कोना चारों खराब ना हो। सूखा आटा लगाकर हम बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरा पराठा को डालते हैं तावे पे। तो थोड़ा सा हमने इस साइड पका लिया है, अब हम तेल को लगा देते हैं। तो इस साइड हमने अच्छे से तेल को लगा ली हूँ, अब पलट कर उस साइड भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा पराठा फूल चुका है, चारों कोना एकदम बढ़िया से, और बहुत ही अच्छा लग भी रहा है। तो ऐसे ही पलट कर दोनों साइड अच्छे से पकाते हैं। तो ऐसे ही सारे पराठे को हम बना लेते हैं। तो देखिए ये भी पराठा हमने बना लिया है। तो पराठे को हमने बना लिया है, ये भी बना लेते हैं। देखिए हमने पराठे को बना लिया है, अब इसमें रख दिए हैं, तावे को हम उतार देते हैं। तो अब हम खाने को परोस लेते हैं। इस कुकर में से ले लेते हैं चावल, चावल को हाथों से थोड़ा सा तोड़ देते हैं। तो अब हम पराठे को भी रख लेते हैं। तो अब हम सब्जी को भी परोस लेते हैं। तो थोड़ा सा मिला देते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों आज का हमारा खाना बनकर तैयार है। देखिए
मैंने सहजन का सब्जी बनाया हुआ है रसादार और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। आप लोग जरूर एक बार बनाइएगा और उसके बाद हमको कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। तो उसके साथ मैंने बनाया है पराठा और आप लोग पूड़ी और रोटी के साथ भी बना सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सा चावल। तो दोस्तों आज का खाना हमारा आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते हैं दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ और आप लोग भी खुश रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।